हेलो फर्स्ट क्लास किड्स किड्स, आज हम करेंगे हिंदी का लेसन नंबर 3। इससे पहले हमने लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया था, आज हम लेसन नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, सभी अपनी नोटबुक, अपनी बुक निकालो, नोटबुक नहीं बुक निकालो। पेज नंबर 13, नंबर 3, लेसन नंबर 3, पार्ट 3, कछुआ और खरगोश। कछुआ और खरगोश, इसकी कहानी तो आपने बहुत बार सुनी होगी, है ना बच्चों। जो लोग लगातार अपने काम में लगे रहते हैं उनकी ही जीत होती है। लगातार चलने वाला कछुआ जीत जाता है और आलसी खरगोश की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है, कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी है। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे। वन में एक खरगोश रहता था। ये क्या है, खरगोश, और ये क्या है, कछुआ। वन में एक खरगोश रहता था, निकट ही एक कछुआ भी रहता था। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था, कछुआ, खरगोश क्या था, बहुत तेज दौड़ता था, कछुआ धीरे धीरे चलता था। खरगोश सदा कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश बोला, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, दौड़ में मुझे कोई नहीं हरा सकता। कछुआ बोला, अच्छा ऐसी बात है तो हम दोनों मंदिर तक दौड़ेंगे, जो पहले मंदिर पहुंचेगा उसी की जीत मानी जाएगी। जो पहले क्या होगा, मंदिर दौड़ेगा उसकी क्या, जीत मानी जाएगी। ओके, अगले दिन दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था, कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी दूर जाकर खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ बहुत पीछे रह गया था। खरगोश ने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर जल्दी से आगे पहुंच जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने हरी हरी कोमल घास खाई, तभी कछुआ वहां आ पहुंचा। खरगोश फिर तेजी से भागा, खरगोश ने आधा रास्ता पार कर लिया। ठीक है, कछुआ बहुत पीछे रह गया था। खरगोश फिर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। कछुआ पास आया तो वह उठकर तेजी से भागा। थोड़ी देर में खरगोश मंदिर के निकट पहुंच गया। खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, उसे कछुआ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, थोड़ी देर और आराम करूं, जब कछुआ पास आएगा तो मैं दौड़कर मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। सामने एक खेत में गाजरें उगी हुई थी। खरगोश ने खूब मीठी मीठी गाजरें खाई और एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसे नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि खरगोश सो रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मंदिर पहुंच गया। जब खरगोश जागा तो उसे पीछे दूर तक कछुआ दिखाई नहीं दिया। वह उठकर तेजी से दौड़ा। मंदिर पहुंच कर उसने देखा कि सामने कछुआ बैठा था। खरगोश को देखकर कछुआ हंसते हुए बोला, अब बताओ खरगोश, जीत किसकी हुई? खरगोश अपनी हार पर बहुत शर्मिंदा हुआ। ओके, ये क्या है, खरगोश और कछुए की कहानी। ठीक है, अभी हम इसकी क्या करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे। इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो आप खुद करोगे, पढ़िए और लिखिए, इसको पढ़ना भी है और लिखना भी है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे देखो, बॉक्स में चार शब्द दिए हुए हैं और चार ही फिलप्स हैं। डैश में एक खरगोश और कछुआ रहता था। कहाँ रहते थे खरगोश और कछुआ? वन में। कहाँ रहते थे? वन में। खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था,
खरगोश क्या कर रहा था? बहुत तेज दौड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है खरगोश सदा कछुए का मजाक। क्या आएगा यहाँ पे? मजाक, मजाक उड़ाता था। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया। क्या हो गया? पेड़ के नीचे क्या हो गया? वो सो गया। ठीक है, नंबर 3 एंड नंबर 4। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के उत्तर दीजिए। ये हम अपनी कॉपीज में करेंगे। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5। नंबर 4 पार्ट नहीं करेंगे हम। नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। सही या गलत का निशान लगाना है। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था, ये सही है या गलत? यहाँ पे क्या आएगा? सही। कछुआ सदा खरगोश का मजाक उड़ाता था। कछुआ खरगोश का मजाक उड़ाता था? नहीं, जबकि खरगोश कछुए का मजाक उड़ाता था, है ना, ये गलत आएगा। खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था। खरगोश क्या था? बहुत तेज दौड़ रहा था। यहाँ पे क्या आएगा? ठीक। उसके बाद है सामने सरसों का खेत था। गलत, किसका खेत था? गाजर लगी हुई थी वहां पे, हरी हरी घास वाला खेत था, है ना। खरगोश ने खूब मीठी मीठी गाजरें खाई। खरगोश ने खूब मीठी मीठी गाजरें खाई। खाई थी मीठी गाजरें खरगोश ने, पढ़ा तो है आपने। यहाँ पे क्या आएगा? राइट। अब बताओ कछुए जीत किसकी हुई? ये किसने बोला था? कछुए ने नहीं बोला था, ये कछुए ने बोला था किसको? खरगोश को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? गलत। ठीक है, अब है नीचे नंबर 6 पार्ट, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और चीज़ों के साथ जोड़िए। मीठी मीठी गाजर, खट्टी खट्टी, खट्टी खट्टी क्या होती है? इमली। लाल लाल टमाटर, पीले पीले बेर, काली काली जामुन। ठीक है, ये हो गई आपकी बुक एक्सरसाइज। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू।